स्विफ्ट का आगे वाला कॉर्नर मैच हुआ, स्टेयरिंग घुमाना शुरू, पूरा वापस काट दिया, अलाइन हुई, देखो अलाइन हो रही है, सीधा करना शुरू कर दो, अब उसी लाइन में आपकी गाड़ी खड़ी होगी। लग गई, बिल्कुल लाइंस के अंदर ही है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी, बिल्कुल सही। चलिए आज आपको रिवर्स पार्किंग दिखाता हूँ, मैंने पहले भी बनाई हुई है लेकिन कैमरा एंगल्स इतने अच्छे नहीं थे जितने कि अभी हैं, गोप्रो ले लिया। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिवर्स पार्किंग आपको बता रहा हूँ कि मॉल के अगर आप पार्किंग लॉट में हो तो कैसे गाड़ी पार्क करनी है। एक चीज यार पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मॉल के पार्किंग में अंधेरा होता है, लाइट्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं, प्लस अगर मैं गोप्रो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गोप्रो का जो लो लाइट रिकॉर्डिंग है उतना क्लियर नहीं है जिधर मेरा फोन का है, तो थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा, क्वालिटी थोड़ा सा अंधेरा आएगा, लेकिन स्टिल आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छी लाइटिंग में दिखाऊं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चेकिंग चल रही है अंकल जी, यहाँ से मैं डिक्की तो नहीं खोल पाऊंगा, आपको ही खोलनी पड़ेगी। अरे फुट मोमेंट कैमरा लगाना भूल गया, लगा दूंगा वो भी, चलो कसर क्यों छोड़नी कोई, अब कर ही रहा हूँ तो ढंग से ही करूँगा। एक काम करूँगा ठीक है, पहले मैं एक आपको एक डेमो दिखा दूंगा मैं कैसे करता हूँ। ऑटो पे कर दी, अंधेरा आते ही ऑन नहीं हुई है, अब हुई है, अपनी की है क्या? थैंक यू। कुछ एक चीजें रिवर्स की मैं पहले बता देता हूं, मैं शायद ऑन द स्पॉट नहीं बता पाऊंगा, जैसे बन पड़ता है वैसे करो, गर्दन बाहर निकालनी है गर्दन बाहर निकालो, किसी से पूछना है पूछ लो, गाड़ी रिवर्स करो तरीके से, लेकिन स्टिल मेरा ये सजेशन रहेगा कि खुद के ऊपर आप डिपेंडेंट रहिए, बी इंडिपेंडेंट उस चीज की। आई थिंक आई गॉट द स्पॉट, नो यहाँ पे नहीं है, आगे जाना पड़ेगा। यहाँ ये गाड़ी निकली, ब्रेजर यहाँ लगाएंगे, ये इस पिलर नंबर 14। चलो एक बार तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। लो लग गई, ठीक है, अब मैं फुट कैमरा लगा लेता हूँ। तो देखो यार आई एम रियली सॉरी, अंधेरा आपको मिलेगा इससे ज़्यादा लाइट, मैं कोशिश करूँगा उस तरफ जाने की कि थोड़ा मुझे लाइट में मिले, लेकिन मैं पहले अपना फुट कैमरा लगाता हूँ। एक ये चीज़ बोली जाती है कि जब भी अगर रिवर्स करना हो तो अपने विंडोज़ जो हैं नीचे कर लो, ताकि अगर पीछे से कोई आवाज़ आ रही तो आपको सुनाई दे, पीछे से कोई बोल रहा है तो आपको सुनाई दे, ठीक है। ये करके आप विंडोज हमेशा अपनी गाड़ी के नीचे रखोगे जब भी रिवर्स कर रहे हो, एटलीस्ट हाफ नीचे कर लेना। लाइट्स ऑन, ऑटो, और एक तो पार्किंग लॉट में अपनी स्पीड हमेशा कम रखना, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो गाड़ी वैसे बहुत बार खड़ी है, जब भी जहाँ स्पोर्ट दूर से दिख गई तो जैसे ये गाड़ी खड़ी है उसके इतना नज़दीक लेके जाओ, जहाँ मेरी गाड़ी का बम्पर और उस बम्पर के इस कॉर्नर से जब गाड़ी मैच करने लग जाए, ये देखो मैच होना शुरू हो गया, तो वहाँ से चलते जाना, स्टेयरिंग घुमाते जाना, खड़ी खड़ी में नहीं, चलते जाओ घुमाते जाओ, चलते जाओ घुमाते जाओ, जब मेरी गाड़ी का मुझे मिरर में मेरा रियर और उसका फ्रंट दिखने लग जाए, ठीक है। अब यहाँ खड़ी गाड़ी का पूरा स्टेयरिंग काट देना, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, चलो पूरा ही लो, ठीक है, घुमाए रखना। अब क्या है कि मुझे दोनों साइड देखनी है, एक नहीं देखनी है, इधर गैप कम हो रहा है, वापस थोड़ा सीधी होगी, फिर थोड़ा पूरा काट देना, दोनों साइड मुझे बराबर गैप रखना है, यहाँ गाड़ी नहीं है तो पिलर है, उधर ज़्यादा गैप है, थोड़ा सीधा, फिर सीधा, और जैसे ही गाड़ी का फ्रंट सीधा हो जाए स्टेयरिंग पूरा वापस सीधा, अब गाड़ी पीछे,
ये तरीका होता है, ठीक है, दिस इज हाउ वी रिवर्स द कार। चलो अब मैं दूसरे पार्किंग लॉट में आपको समझाता हूँ, मतलब थोड़ा दूसरा स्पॉट में। देखो दो तरीके की पार्किंग होती है, एक तो इस गाड़ी के मुझे इधर पार्क करनी है, एक मुझे इस गाड़ी के आगे की तरफ पार्क करनी है, तो यहाँ थोड़ा सा अलग होगा। आप मेरी गाड़ी का वो वाला कॉर्नर मैच होना चाहिए, मैं बताता हूँ। देखो स्विफ्ट के अगर मुझे इधर पार्क करना होता तो स्विफ्ट का जो ये कॉर्नर है जब मेरी गाड़ी इससे मैच करती तो मैं स्टेयरिंग घुमाता। अब चूंकि मुझे स्विफ्ट के उस तरफ गाड़ी पार्क करनी है तो मुझे स्विफ्ट का जो बम्पर का दूसरा वाला कॉर्नर है, अब मुझे गाड़ी का स्टेयरिंग घुमाने की ज़रूरत है, ठीक है, हो गया। फ्रंट भी देखना है, अब चूंकि इस तरफ मेरे पिलर है गाड़ी नहीं है तो मुझे खड़े खड़े पूरा स्टेयरिंग काट देना, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जितना ज़्यादा स्टेयरिंग काटोगे घुमाओगे उतना गाड़ी कम जगह लेगी घूमने के लिए। मुझे वो येलो लाइन भी देखनी है क्योंकि वो स्पॉट है मेरी गाड़ी की, उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे बराबर दोनों मिरर में देखना है, मैं गाड़ी अज्यूम करके चल रहा हूँ येलो लाइन से, इधर मैं मान के चल रहा हूँ कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है। मैं पीछे वाले हिस्से से मॉनिटर करता हूँ मेरी गाड़ी सीधी हुई कि नहीं हुई, मैं आगे इतना नहीं देखता, ठीक है। थोड़ा इधर, फिर थोड़ा इधर। स्टेयरिंग का कभी ये मान के मत चलना कि सर कितना घुमाता, कोई ऐसा नहीं होता सर 100 डिग्री घुमाना है, 50 घुमाना है, 20 घुमाना है, जितना घूमती जाती है स्टेयरिंग घुमाते जाते हैं, ज़्यादा घूम गई तो स्टेयरिंग कम कर दो। अब सीधी होगी गाड़ी, स्टेयरिंग सीधा, ऐसे होती है रिवर्स पार्किंग। दिखाता हूँ नेक्सॉन के इधर, ठीक है। दो तरीके की पार्किंग होती है, जब आप गाड़ी से इधर करते हो, जब आप गाड़ी से उधर करते हो। तो जो तरीका मैंने बताया था, बम्पर मैच हुए, चाहे गाड़ी सीधी खड़ी हो चाहे बम्पर का कॉर्नर देखना, उससे मेरा मैच हुआ, स्टेयरिंग काटना शुरू, पूरा हो गया, बम्पर दिखने शुरू हुए, रिवर्स पूरा काट दिया। थोड़े कम हो रही है गैप, ज़्यादा करना है वापस, थोड़ा और करना है, और यहाँ गाड़ी सीधी हो गई। बस अपना मार्किंग्स का ध्यान रखना, मार्किंग लगभग आपको गर्दन बाहर निकाल के दिखाई देंगे, मैं एक बार देखूँ यहाँ कितनी है, अपनी मार्किंग से बाहर है क्योंकि मैंने मार्किंग के हिसाब से नहीं करी है। अब मैं आपको मार्किंग के हिसाब से करके दिखाता हूँ, यार ये लाइन कैसे बना रखी है, नहीं भाई ये तो गलत तरीके की है, इन्होंने मार्किंग पता है इनकी ढंग से तरीके की नहीं है, बहुत नैरो है। मतलब गाड़ी अगर खड़ी होगी ना तो बस ये मान लो आधा फुट का ही गैप है बीएम के बगल में करें, ठीक है कम है। देखो मेरी गाड़ी जैसे ही करे पीछे वाला टायर इस लाइन को क्रॉस करे, मतलब जिस लेव आपको अब दूसरी साइड घुमा देना वापस दूसरी साइड में, ज़्यादा हो रहा है थोड़ा कम, पिलर को टच करेगी थोड़ा कम, देखो टच करने वाली है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर दोनों में देखते रहना। ये लो होगी खड़ी, सीधी होगी, स्टेयरिंग सीधा हो गई लाइंस में, चले हम कहीं और। इनकी मार्किंग्स हैं नैरो हैं, देखो लाइन के इस पोर्ट में मुझे गाड़ी लगानी है, ठीक है, आवाज़ खोलते हैं थोड़ी, इन दोनों में दिख गया, मेरा पीछे वाला व्हील क्रॉस करना चाहिए लाइन को, मतलब निकल के आगे लेफ्ट साइड काट दो अगर राइट साइड पट्टी है, ज़्यादा नहीं लेके जानी, पूरा घुमा के लाइन के अंदर, हो सकता है एक बार में ना भी लगे लेकिन लग गई, ठीक है। थोड़ा इधर सीधा करने के लिए, अब सीधा, लो जी सही है, ठीक है यार मैं कितनों को बताऊं मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी होता है कि यार ये क्या कर रहा है मॉल के पार्किंग में वीडियो। ए बलेनो वाले भाई साहब, जब कोई गाड़ी रिवर्स हो रही है तो होल्ड ऑन, उन्हें जगह दो नहीं, अरे बढ़िया मस्त, हियर स्किल्स, वो गाड़ी रिवर्स लग रही है बलेनो, नाइस। जो लोग रिवर्स पार्किंग करते हैं मेरे मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, क्योंकि पैसे से आप गाड़ी खरीद सकते हो बट नॉट स्किल्स,
ही इज़ अ गुड ड्राइवर, ही गॉट माई रिस्पेक्ट. ये इसके बराबर में होनी चाहिए. कौन सी है, TU? तो चलो इसके बगल में बहुत टाइट है, लगाऊंगा मैं. ठीक है चलो, लेट्स सी इफ आई कैन पार्क इन अ सिंगल गो. या आई कैन डू दैट. देखा हूँ मैंने कहाँ पार्क किया है. अरे कैमरा हट गया, चलो हटाओ, इतना ठीक है. ये देखो बिल्कुल लाइंस के अंदर ही है. इस तरफ भी है, इस तरफ भी, बिल्कुल सही ऐसे की जाती है. एक दो और देखूंगा. अब रिवर्स का हो गया, मैं इन दोनों गाड़ियों के बीच एक फ्रंट का करके दिखाता हूँ. ठीक है, यहाँ ज़्यादा गैप लेना होता है. जैसे मेरी गाड़ी का फ्रंट इस गाड़ी के फ्रंट को क्रॉस करने लगता है, स्टेयरिंग पूरा काट दो. और ये देखो कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा करना पड़ता है, चली जाएगी. थोड़ा सा उधर, फिर थोड़ा सा इधर, लो लग गई. अब भी दिखा देता हूँ उतर के. ठीक है. एंड यार एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर किसी की जान पहचान में कोई RTO डिपार्टमेंट में हो तो प्लीज़ लेट मी नो. मयूर विहार में जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट है, मुझे उसके ऊपर वीडियो बनानी है. मतलब मुझे वो ट्रैक चाहिए, क्योंकि मुझे एक हाईली डिमांडेड वीडियो है कि लोग मुझसे कहते हैं कि आप वो वाला वीडियो बनाइए, हाउ टू पास द ड्राइविंग टेस्ट. तो मुझे वो वीडियो बनाना है. ठीक है, तो प्लीज़ हेल्प मी अगर कोई कर सकता है तो. यहाँ खड़ी करेंगे, यहाँ जगह है काफी. इस पिलर के इधर करनी है. ठीक है, काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं. लग गई. नो हॉर्न प्लीज. ये देख लो एकदम बीचों बीच खड़ी है. जी तो हाँ हाँ ठीक है. नाउ लेट्स मूव. एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. राउंड अबाउट का वीडियो बना वो मैं बना दूंगा. एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मुझे अच्छा लगता है. शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वो बहुत अच्छा लगेगा. एंड इस वीडियो में बस इतना ही. चलो नाउ लेट्स टेक द एग्जिट. मेरे ख्याल से सारे गार्ड्स ये हो रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है बंदा. चलें.